Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Janwa. In this video, we have discussed about what is TSH and my qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TSH क्या है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और कंप्लीट डिटेल से ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको TSH से रिलेटेड सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं TSH होता क्या है, फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, वो होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों थायराइड क्या होता है, व्हाट इज थायराइड? थायराइड इज अ ग्लैंड, मतलब थायराइड एक ग्लैंड होती है। इट्स अ थायराइड एक ग्लैंड है। इट इज अ प्रेजेंट इन नेक, मतलब जो हमारी गर्दन के यहाँ प्रेजेंट होती है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज अ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, मतलब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन का सिक्रेशन करना। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, ये T3 हो गया या T4 हो गया। अब दोस्तों जो T3 और T4 हार्मोन कब सिक्रेट होते हैं, अब इनको सिक्रेट करने के लिए आपको पता है TSH हार्मोन होता है, मतलब। फिर गाइस हम बात करेंगे TSH हार्मोन कैसे पूरा सिक्रेट होता है, पूरी प्रोसेस से कंप्लीट बताऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं थायराइड हार्मोन, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो आप देख सकते हैं TRH, मतलब क्या होता है TRH दोस्तों थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। दोस्तों ये एक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH सीक्रेट करे। दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, फिर उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं इस टाइप से, आप देख लीजिए इस टाइप की ग्लैंड होती है, जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हार्मोन सीक्रेट करता है TSH। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो होती है मास्टर ग्लैंड, आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों ये इस ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है जो भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड है उसके ऊपर कंट्रोल करना, मतलब ये पूरी बॉडी के ऊपर दोस्तों जो भी हार्मोन है कितनी मात्रा के अंदर सिक्रेट करना है, कितना कम करना है, ये पूरा कंट्रोल इस ग्लैंड के ऊपर ही होता है दोस्तों। और ये एक मास्टर ग्लैंड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से TSH हार्मोन सिक्रेट होता है। TSH हार्मोन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों स्टिमुलेटिंग मीन्स होता है उत्सर्जित करना, मतलब ये थायराइड ग्लैंड को मतलब बोलता है कि T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट करें। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो थायराइड ग्लैंड होती है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, जो मोस्टली लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, एक इतनी बड़ी ग्लैंड है ये। फिर उसके बाद में दोस्तों अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, जैसे TSH सिक्रेट हुआ फिर उसके बाद में थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को सिक्रेट करती है, T3 और T4 को यहाँ पे सिक्रेट करती है। अब दोस्तों T3 और T4 क्या होता है, ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर, आप देख सकते हैं ये आप नाम पढ़ सकते हैं T3 और T4 क्या है, कहते हैं ट्रायोडोथायोनिन। और जो T4 होता है जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट डिटेल से, हम बात करेंगे इसके जो फंक्शन क्या है, मतलब थायराइड ग्लैंड की क्या मेन फंक्शन है उसकी हम इस वीडियो के अंदर बात कर सकते हैं, बात करेंगे। यहाँ दोस्तों आप देख लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की, इसकी क्या मेन जो फंक्शन है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट। दोस्तों अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन आप देख सकते हैं इट हैज़ रोल इन ग्रोथ, मतलब दोस्तों इस हार्मोन का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ग्रोथ के अंदर। इट्स हैज़ रोल इन द डेवलपमेंट के अंदर, स्टिमुलेटिंग हार्ट रेट, स्टिमुलेटिंग हार्ट कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं स्टिमुलेटिंग सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है, डिग्रेडेड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग विटामिन रिक्वायरमेंट, दोस्तों विटामिन रिक्वायरमेंट होती है उसको इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ में दोस्तों TSH की जो फुल फॉर्म आप हमने बात ही कर ली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर उसके बाद में आप नॉर्मल रेंज से भी मेज कर सकते हैं मेल के अंदर कितना है, फीमेल के अंदर कितना है। और दोस्तों एडल्ट के अंदर होता है जो नॉर्मल T3 होता है वो होता है 0.60 से लेकर 1.81 तक होता है। फिर उसके बाद में T4 होता है वो होता है 5.0 से 12.50 तक होता है। फिर उसके बाद में TSH की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है जीरो पॉइंट थ्री फाइव से 5.50 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं TSH के अंदर दोस्तों आप देख लीजिए ये क्या लो होगा, मतलब आपकी T3 और T4 जो भी लो होगा उसके लिए आपको कौन सी डिजीज है, आप ये पूरा चार्ट समझ के आप मैच कर सकते हैं जो भी आपको डिजीज है, किसके अंदर T3 इंक्रीज है और किसके अंदर T4 अगर इन लो है, तो दोस्तों किसके अंदर TSH
इंक्रीज है, आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर। या दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज़।